PhD टेस्ट, पासिंग मार्क्स रिड्यूस होंगे या नहीं होंगे? इफ यू आर कंफ्यूज इन दिस रिगार्ड, सैयद राबिया बतूल इज फॉर देयर टेलिंग यू ऑल द थिंग्स. स्टे कनेक्टेड विद मी, लेट्स गेट स्टार्ट. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर स्कॉलर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज कि आपका कल 12 जून को टेस्ट हो गया है. अब मुझे बहुत सारे बच्चे हैव टेक्स्टेड मी, मैडम हमारे 50 से नीचे आए हैं, मैडम हमारे 40 से भी कम आए हैं, मैडम वी आर फेल्ड. देखें, अगर आप एमफिल कैंडिडेट हैं या आप पीएचडी कैंडिडेट हैं, आपने अपना 100% टेस्ट को देकर टेस्ट क्वालिफाई करने की कोशिश की, लेकिन अगर आपका तब भी जो मार्किंग है वो कम है, अगर आपका 30s में है, 40s में है, दैट्स क्वाइट ओके, क्योंकि एमफिल पीएचडी के लिए कोई एज रिक्वायर्ड नहीं है. आप 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में एमफिल पीएचडी कर सकते हैं. क्योंकि देखें, एमफिल मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ये दोनों डिग्रीज जो हैं इम्पोर्टेंट तो बहुत है, लेकिन एडिशनल डिग्री है. एमफिल से और पीएचडी से हमें क्या बेनिफिट होता है? हमें यही बेनिफिट होता है कि अव्वल हमारा प्रमोशन जल्दी होता है, सेकंड हमारी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाती है. एमफिल के ज़रिए हमारी कम होती है, पीएचडी अगर हम करते हैं तो हमारी 25,000 या 30,000 तक सैलरी इंक्रीज हो जाती है. आप एमफिल पीएचडी कर लेते हैं तो आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है, लाइक आई कीप विद माई नेम डॉक्टर प्रोफेसर राबिया. लेकिन अगर आप कॉलेज साइट पर लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एमफिल पीएचडी अगर आप नहीं करना चाहते या आपका क्लियर नहीं हुआ, दैट्स नॉट अ बिग डील. आप कॉलेज साइट पर 17 स्केल के, 18 स्केल के, 19 स्केल के विद द प्रोमोशन यू कैन बिकम अ लेक्चरर, देन असिस्टेंट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर. तो जिन बच्चों के कल टेस्ट हुए हैं और उन बच्चों ने अपनी 100% तैयारी के साथ टेस्ट दिया था, कुछ बच्चे हैं जो पास हुए हैं जिन्होंने अच्छे मार्किंग उठाए हैं, आई वॉज नोटिसिंग एंड आई वॉज लुकिंग एट द रिजल्ट. तो कुछ बच्चे हैं जिसने 60s में 70s में तो कोई बच्चा नहीं गया, बहुत कम होंगे रेयरली, अदरवाइज 60s तक बच्चों ने मार्किंग उठाई है वो समझे हाईएस्ट मार्किंग है एक तरह से. वरना जो बच्चे 50s में आए हैं वो भी पास है, जो बच्चे 40s में आए हैं, मुझे ये लगता है कि 40s वाले बच्चों को भी पास कर दिया जाएगा, क्योंकि आई वॉज लुकिंग तो मेजॉरिटी बच्चों ने 50s के अंडर में मार्क्स उठाए हैं. लास्ट ईयर जो था वो 40s पर पासिंग मार्क्स था, इस साल थोड़ा क्राइटेरिया बढ़ाया गया था. इस साल ये कहा गया था कि 50s पर पासिंग मार्क्स होगा और आप जब अप्लाई करेंगे तो आपका 60% मास्टर्स यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए एंड सो ऑन. देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लोग क्राइटेरिया बढ़ाते जा रहे हैं, बट दिस इज़ माय मैसेज कि क्राइटेरिया आप बेशक बढ़ाएं, लेकिन कि बच्चों को उनकी ग्रेजुएशन डिग्री में या उनकी तालीम में आप क्वालिटी एजुकेशन दें. लुक एट पाकिस्तान, के हमारे कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पाकिस्तानीज, वी हैव अवर ओन लैंड, वी आर फ्री, वी, बट यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन अभी तक नहीं दी जाती. क्वालिटी एजुकेशन ना होने की वजह से बच्चों में बहुत सारी लैक्स रह जाती हैं, बच्चों की परसेंटेज कम बनती है. अब वही बच्चे जब आगे जाकर एमफिल पीएचडी के टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं या किसी स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पर तो उन बच्चों को डिफ़िकल्टी फेस होती है. कि पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर एजुकेशन क्वालिटी नहीं है, दैट्स द रीज़न कि हमारे जो आज के बच्चे फ्यूचर में आकर टीचर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, या जो भी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वो गेट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दे आर डीलिंग विद देयर पेशेंट, दे आर डीलिंग विद देयर स्टूडेंट्स. क्योंकि उन्हें तो सही से खुद नहीं पढ़ाया गया, उन्हें तो खुद जो है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली, तो वो बच्चे किस तरह से अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से कि क्वालिटी एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट.
सो गाइज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द एम फिल पी एच डी स्टूडेंट्स. तो अब देखें जो हुआ सो हुआ, जिन बच्चों के थर्टीज में हैं वो बच्चे डिसहर्ट ना हो. अल्लाह ताला जो करता है बेहतरी के लिए करता है. आप लोग नहीं परेशान हो, क्यों आप अपना दिल छोटा कर रहे हैं? वाई यू गाइज आर गेटिंग डिसअपॉइंटेड? आई वॉज लुकिंग ऑन द मैसेजेज, आई वॉज लुकिंग ऑन द कॉन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन. सो बच्चे बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं अपने टेस्ट को लेकर. जो पी एच डी कैंडिडेट्स हैं, जो एम फिल कैंडिडेट्स हैं, देखिए अल्लाह ताला इंसान के लिए अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो वो 70 दरवाजे खोल देता है. मे बी के इस साल आपके हक में एम फिल या पी एच डी करना बेहतर ना हो, मे बी के कोई और प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाए अगर आप पास हो जाते हैं. तो देखिए पॉजिटिव रहना सीखे आप लोग. माशाल्लाह यू आर अ जॉब होल्डर. आई वॉज वेरी वेरी अप्रिशिएटिंग दोज स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स एंड स्कॉलर जो कि जॉब होल्डर हैं और वो अपनी स्टडीज़ को परस्यू करना चाहते हैं. आई अप्रिशिएट देम. लेकिन अगर आप डिसक्वालीफाई हो गए हैं, आपकी मार्किंग कम आई है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आपके पास अभी भी वक्त है, एम फिल पी एच डी कभी भी किया जा सकता है. और जिन बच्चों की अच्छी मार्किंग आई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ देम. आई अप्रिशिएट योर स्ट्रगल गाइस. स्ट्रगल उन बच्चों ने भी की थी जिनके कम आए हैं, बट देखें फिर यहाँ पर लक भी होता है क्योंकि अल्लाह ताला ने जो लिख दिया है वो तो होना ही होना है. ठीक है, बाकी इंसान के जो हाथ में है, तो आप लोगों ने अपना बेस्ट ट्राई किया, तब भी आप लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ. सो आप लोग उदास ना हो, आप लोग डिसहर्ट बिल्कुल ना हो. जो होगा अच्छे के लिए होगा, अच्छे के लिए होता है. अभी यहाँ पर जीसी यूनिवर्सिटी जो है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद कालीमोरी वाली, हो सकता है वहाँ पर भी जल्दी एड आ जाए क्योंकि लास्ट ईयर तो आ गए थे बट इस साल का नो आइडिया इस तरह सिंध यूनिवर्सिटी ने लेट कर दिया एड देते देते. मे बी वहाँ भी फ्यू मंथ्स या फ्यू वीक्स लेट हो जाए. तो आप लोगों के लिए यहाँ की अपॉर्चुनिटी है, आप लोग बाहर मुल्क अप्लाई करें. आप लोग इसरा यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, कायदे आज़म, कायदे आवाम, देर आर सो मैनी यूनिवर्सिटीज़ जो कि गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, गो थ्रू देट अगर आपको जल्दी करनी है. अदरवाइज वेट करें, सुकून से अपनी और चीज़ों पर फोकस करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, परेशान ना हुआ करें. थैंक यू सो मच. क्योंकि देखिए परेशान होने से आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, ये ज़रूर होगा कि आपको मायूसी सराउंड कर लेगी. शैतान की क्या कोशिश होती है? उसकी सिर्फ एक कोशिश होती है कि बंदा खुदा से नाउमीद हो, खुदा से मायूस हो और मैं उस पर हमला कर दूँ. इंसान मायूस होता है, नाउमीद होता है, उसको इतनी चीज़ें जो सक्सेस में होती है ना, वो सब उसको फेलुअर नज़र आ रही होती है क्योंकि मायूसी कुफुर है. अल्लाह ताला तो खुद फरमाता है कि तुम मायूस ना हो, मायूसी कुफुर है. आप ये तो देखें, आप डिसअपॉइंट ना हो. मुझे पता है कि दुख होता है जब कभी हम कहीं पर नहीं क्वालिफाई कर पाते, लेकिन हमें ये खुशी होनी चाहिए कि हमने अपना बेस्ट ट्राई किया था. एक्चुअली माई थ्रोट इज़ गेटिंग, हमने तो अपना बेस्ट ट्राई किया था. लेकिन अगर नहीं हुआ तो उसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए कोई बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है. हम यहाँ ना सही, कहीं और सही इंशाल्लाह. देखिए मेहनत करना कभी ना छोड़ो, खुदा से नाउमीद ना हो, मायूस ना हो. लुक एट मी कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई यूट्यूब चैनल फॉर 4 and 5 years. मुझे 5वां साल हो जाएगा मेरे YouTube पर काम करते करते, बट स्टिल आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग. मैं कुछ यहाँ से अर्न नहीं कर रही, मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा. सो मेनी टाइम्स मेरी लाइफ में भी वो वक्त आया कि मैं YouTube से इतना डिसहर्ट हुई, मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई कि आई वॉज लाइक कि मैं सारी वीडियोज़ अपनी डिलीट कर देती हूँ, मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ. लेकिन मुझे जो बैक सपोर्ट थी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अल्लाह है, फिर मेरे पेरेंट्स हैं, फिर मेरे बहन भाई हैं, एंड देन माय फ्रेंड्स जो कि मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि देखो हो जाएगा स्लोली एंड ग्रेजुअली. अगर आपका कहीं ना कहीं आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, या आपको अर्निंग स्टार्ट नहीं हो रही, या आपके व्यूअर्स नहीं बढ़ रहे, तो आप कहीं ना कहीं फॉल्ट कर रही हैं. देन व्हेन आई नोटिस, तो मेरा जो चैनल था, इट वॉज माई फॉल्ट एंड माई फ्लॉ कि आई वॉज मेकिंग इट मल्टीपल कॉन्टेंट. यानी मैं यहाँ ब्लॉगिंग भी कर रही थी, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग लिंग्विस्टिक्स, आई वॉज टेलिंग अबाउट जर्नल नॉलेज. तो देखो मैं एक मिक्स चार्ट हो गई थी. लोगों को एक कंटेंट ज़्यादा पसंद होता है जो उनके मुताबिक होता है, लेकिन मैं चाह रही थी कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज हो मुझे स्प्रेड करनी चाहिए, जो कि आई वॉज डूइंग रॉन्ग. क्योंकि वही है ना, अगर कोई बच्चा इंग्लिश सीखने आया है, अब वो एक वीडियो इंग्लिश की देखने के बाद आपका कॉन्टेंट उसे पसंद आया, जब वो नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करेगा तो वो जर्नल नॉलेज की होगी, अब वो बच्चा तो इरिटेट होगा ना. सो
सो दैट्स द रीज़न देन आई थॉट कि अब मैंने सिर्फ और सिर्फ एम फिल और सी एस एस, क्योंकि सी एस एस के मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स देयर आर जो कि मालूम कर रहे हैं ऑन द डेली बेस, मैडम हम सी एस एस करना चाहते हैं, मैम आपने दो अटेम्प्ट कर ली, मैम हम क्या स्ट्रेटजीज अपनाएं, कौन सी बुक्स पढ़ें, किस अकेडमी पर जाएं। तो इसलिए मैंने उन बच्चों के लिए अपना चैनल बनाया है, क्योंकि देखिए देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स एंड आई हैव नो सच मच टाइम। मैं जितना मुझसे होता है आई ट्राई टू हेल्प अदर्स एंड आई ऑलवेज ट्राई टू गिव देम कि जितना मुझसे नॉलेज लेनी है ले लो, क्योंकि जो भी यहाँ पर है जब तक आई एम अलाइव तब तक आप मुझसे फ़ायदा हासिल करें, आप मुझसे नॉलेज लें, आप मुझसे आइडियाज़ लें। जब मेरी व्हेन आई विल बी डेड यहाँ पर सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। सो इसीलिए मैं बट एक एक बच्चे को तो जवाब देते देते आई वॉज एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड ऑफ, देन आई गॉट द आइडिया कि मैं अपने चैनल पर एम फिल के तो वीडियोस बना रही हूँ, जितना भी मैंने डिफ़िकल्टीज फेस की, प्रोसेस फेस किया, वो मैं आने वाले बच्चों के लिए बना रही हूँ। लेकिन जो बच्चे सी एस एस के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए मैं शॉर्ट वीडियोस पर अपना काम करूँगी। मैं लेंथी वीडियोस सिर्फ एम फिल के लिए रखूँगी, लेकिन जो शॉर्ट एक मिनट की वीडियो होती है वहाँ पर आई विल बी गाइडिंग यू गाइज अबाउट सी एस एस। जो भी बच्चे करना चाहते हैं सी एस एस वो ले सकते हैं आइडियाज़, क्योंकि देर आर सो मैनी चैनल्स ऑन यूट्यूब। मेरा कोई अनोखा चैनल नहीं है, मैं कोई अनोखा नहीं बता रही, और भी चैनल्स हैं, और भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज़ हैं, लेक्चर्स हैं सी एस एस के अबाउट। एम फिल का मैंने शायद नहीं इतना गेट किया कि एम फिल का होगा। सो ये बात थी जिसकी वजह से मैंने अब दो कंटेंट चैनल किया है, सी एस एस एज वेल एज एम फिल। सो आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ईद उल अज़हा करीब है, अपनी अनाएँ, अपना हसद, जलन, दुश्मनियाँ, इस तरह एक जानवर ज़ुबा होता है ना, इस तरह अगर हम ये चीज़ें भी ज़ुबा कर देना तो हमारी ज़िंदगी बहुत पीसफुल हो जाए, बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना वो रास्ते पर चली जाए। सो खुश रहा करें, खुशियाँ बांटें। अगेन एंड ओवर अगेन आई रिपीट दिस सेंटेंस, क्योंकि आज के दौर में खुशियाँ जो है ना वो ऐसी हो गई हैं, नायाब हो गई हैं, बिल्कुल रेयर हो गई हैं, कहीं पर नहीं है। जहाँ देखो उदास चेहरे, जहाँ देखो परेशान चेहरे, समझ में नहीं आता कि ये कौन सा वक्त शुरू हो गया है। एक वो वक्त था जब ना मोबाइल हाथ में होते थे, ना इतना ज़्यादा टीवी देखा जाता था, फैमिलीज़ आपस में मिलकर रहती थी, खुश खुश रहती थी, अपने दुख खुशियाँ सब शेयर करती थी। अब वो वक्त है कि ये मोबाइल जैसी बला जो हमारे हाथों में आ गई है, इसने सबको, दो बंदे बराबर बराबर बैठे हैं लेकिन दिलों के अंदर वो सदियों का फासला रखते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल। ऐसे चल रहा है, हमारा पूरा फोकस यहाँ है। फिज़िकली हम एक जगह पर एग्जिस्ट करते हैं लेकिन मेंटली हम गायब है। अब अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मेंटली गायब हो जाऊँ, मैं क्या बोलूँगी? मैं कुछ का कुछ ही मेरे मुँह से निकलेगा। लेकिन फिज़िकली अपेयरेंस के साथ मेंटली एक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है। एम फिल का जो इंटरव्यू होगा बच्चों का, मैं नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह उसी पर बनाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।